नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टेक्निकल प्रोज चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त नरेश लोप्रोज। आज हम बात करेंगे कि टिकटॉक वीडियो को कैसे वायरल करें। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, हम अपने टिकटॉक पे वीडियो को वायरल कैसे करा सकते हैं। तो अगर आप भी सर्च करते हैं यूट्यूब पे, अगर अदर किसी साइट पे कि हम टिकटॉक वीडियो को वायरल कैसे कराएं, तो दोस्तों ये वीडियो बिल्कुल सिर्फ आपके लिए है। तो दोस्तों मैं आपको 3-4 टिप्स ऐसे बताऊँगा जिसको आप फॉलो करके टिकटॉक वीडियो को वायरल करा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में बेल आइकॉन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ओके कर देना, जिससे हमारा नया वीडियो कोई भी आएगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी और आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो दोस्तों मैं आपको 3-4 टिप्स ऐसे बताऊंगा जिसको आप फॉलो करके टिकटॉक वीडियो को वायरल करा सकते हो। दोस्तों टिकटॉक एक बहुत ही पॉपुलर ऐप्स है, यहाँ पर हर कोई वायरल होना चाहता है, हर कोई अपने वीडियो को वायरल कराना चाहता है। लेकिन क्या आपको पता है टिकटॉक का एल्गोरिथम कैसा है, टिकटॉक का एल्गोरिथम कैसे काम करता है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला आपको करना होगा कि आपको डेली वीडियो बना के अपलोड करने होंगे, खुद के वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने खुद के वीडियो बनाना है, किसी का कॉपी या किसी से डाउनलोड करके पोस्ट नहीं करना है टिकटॉक पे। सबसे पहली बात ये आप ध्यान रखें कि आपका खुद का वीडियो होना चाहिए। तो दोस्तों दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, आप अगर वीडियो बनाएंगे, अगर ज़्यादा पब्लिक में बनाएंगे तो वीडियो वो आपका वायरल होने के काफ़ी चांस रहेंगे। आप अकेले में शर्मा के, आप अकेले में जाके जो वीडियो बनाते हैं आप वो पब्लिक के सामने बनाएं। आपने अगर देखा होगा बहुत सारे ऐसे वीडियो पब्लिक के सामने वायरल हुए हैं। तो दोस्तों आपके सामने जो पीछे के जो बैकग्राउंड में ज़्यादा पब्लिक रहेगी तो वो वीडियो वायरल होने के काफ़ी चांस है। तो दोस्तों दूसरी बात मैं आपको एक और बता देता हूँ, आप जब भी टिकटॉक पे कोई वीडियो बनाए तो उसमें आपको ऐसा सॉन्ग चूज करना है, मतलब आपको ऐसा सॉन्ग सेलेक्ट करना है जो आज तक किसी ने यूज़ नहीं किया हो। जी हाँ दोस्तों, आप नया सॉन्ग ऐसा ढूंढ के निकालें जिसको आप अपने वीडियो में यूज़ कर सके। तो दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि आपको किसी का भी वीडियो कॉपी नहीं करना है। पहली बात ये कि आपका खुद का वीडियो होना चाहिए, दूसरी बात आपको डेली अपडेट रहना है वीडियो पे, मतलब डेली आपको वीडियो अपलोड करना है। तो दोस्तों तीसरी बात ये है कि आपको कोई भी नया सॉन्ग यूज़ करना है अपने वीडियो में। तो दोस्तों चौथी बात मैं आपको बता देता हूँ कि आपको टिकटॉक पर ज़्यादा लाइक और कमेंट करना है। तो दोस्तों आप ज़्यादा अगर कमेंट और लाइक करेंगे तो आपको ज़्यादा लोग पहचानेंगे, आपकी आईडी पे आएंगे, आपके प्रोफाइल पे आएंगे और आपको फॉलो ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूँ, अगर आपको टिकटॉक पर वीडियो को वायरल कराना है तो दोस्तों आपको हैशटैग जरूर लगाने होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने वीडियो के साथ हैशटैग लगाने हैं और आप अपने वीडियो को अपलोड करने के बाद आप जितने ज़्यादा कमेंट और लाइक कर सकते हो वो कमेंट लाइक आपको करना है। मिनिमम को टिकटॉक पर आधा घंटा स्पेंड करना ही है, आपको आधा घंटा टिकटॉक को देना ही है। आधा घंटा आप वीडियो अपलोड करने के बाद आपको कमेंट और लाइक करने हैं दूसरे के वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, दूसरे के वीडियो पर आपको कमेंट और लाइक जरूर करना है, जिससे आपका कम समय में आपका वीडियो वायरल हो जाए। लेकिन दोस्तों टिकटॉक का जो एल्गोरिथम है, आप 1-2-4 वीडियो बना के पोस्ट कर देने से आपका वीडियो वायरल नहीं होगा। आपको डेली अपडेट रहना ही होगा, मिनिमम आप 1 महीना 2 महीना या 3 महीना वीडियो डेली अपलोड करो, जिससे आपका वीडियो वायरल होने के काफ़ी चांस रहते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की नई जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके लिए हर रोज़ नई टेक की वीडियो लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।